और नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। तो आज फिर वहीं पहुंच चुके हैं जहां कल आपको अलविदा दी थी। ये समराड़ा चौक है, मेरे पीछे वही पुलिस बूथ है। तो आज जाना है नकोदर, लेकिन नकोदर जाने से पहले हमें कुछ काम है, तो फ़ोन का ट्राईपॉड लेना है, क्योंकि जो मेरे पास है वो कुछ बड़ा है तो व्लॉगिंग में वो काम नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखते हैं जो शॉप है, यहाँ पर देखते हैं अगर मिल जाए आसपास, तो नहीं तो फिर गुड़ मंडी जाएंगे। आप पहले गुड़ मंडी का टूर कराएंगे, उसके बाद नकोदर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सिर्फ गुड़ मंडी नहीं घूमेंगे, हम लगभग 4 से 5 बाज़ार कवर करेंगे। तो जो मेन हमारा रहेगा वो रहेगा चौड़ा बाज़ार, क्योंकि गुड़ मंडी में हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा, तो हमने वहाँ का शूट बिल्कुल नहीं किया। और फिर हम आपको लेकर जाएंगे क्लॉक टावर, और फिर हम आपको लेकर जाएंगे माता रानी चौक, वहाँ भी एक मोबाइल मार्केट है, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये रोड जाती है समराड़ा चौक से सीधा 3 नंबर डिवीज़न। यहाँ शॉप दिखती तो ठीक है, नहीं तो 3 नंबर डिवीज़न से आपको गुरु मंडी लेकर चलेंगे। सरप्राइज ही सरप्राइज, दिखा भी सरप्राइज दिखा। क्या देखो, खराब बैठा काम सवेरे सवेरे, पानी है नहीं आसे पास में, बंद पै पंप भी, पानी चल रहा है बस। दोस्तों, 3 दुकानों में घुस चुके हैं, तीन ही हमको मिली थी इतने बड़े रोड पर, इतने बड़े शहर में, और तीनों में से किसी के पास ट्राईपॉड नहीं मिला। तो ट्राईपॉड ना हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। अब सीधा जाए जा रहे हैं, देखते हैं आगे कहीं मिल गई तो ठीक है, नहीं तो गुड़ मंडी का टूर हो जाएगा पहले। तो दोस्तों, यहाँ से होता है हमारा सफ़र स्टार्ट। ये है समराड़ा चौक, ये रोड सीधा बाबा थान सिंह चौक की तरफ जाता है, और रास्ते में ये आता है सिंगार सिनेमा। ये लुधियाने का बहुत ही पुराना सिनेमा है, यह बहुत ही मशहूर भी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये आ गया बाबा थान सिंह चौक, यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और ये आ गया 3 नंबर डिवीज़न। यहाँ पर चौराहा है, वो सामने वाली गली से हम आए हैं, और ये जो माता रानी का चौक है, यहाँ से हमने सीधा जाना है, और यहाँ से हम एंटर करेंगे गाँव मंडी में। घा मंडी से स्टार्ट होता है चौड़ा बाज़ार, चौड़ा बाज़ार में से गली जाती है गुड़ मंडी की तरफ, और यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है घा मंडी में। ये घा मंडी का रोड है, और यहाँ से ये जो चौक आएगा, ये जो है पीछे ही सामने, ये घा मंडी है, और इस तरफ आपका चौड़ा बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। ये सारा चौड़ा बाज़ार है, यहाँ संडे को बहुत ही बड़ी मार्केट लगती है कपड़ों की। यह सुबह का टाइम था इसलिए अभी भीड़ बिल्कुल कम है, लोग अपनी दुकानें ओपन ही कर रहे हैं। ये है दोस्तों गुड़ मंडी की मोबाइल मार्केट। यहाँ हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा, मुझे नहीं पता, हम रिटेल का सामान लेने गए थे इसलिए शायद, क्योंकि ये सारी होलसेल की मार्केट है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो यहाँ से बाहर निकलते ही ये बाहर का रास्ता है, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है चौड़ा बाज़ार की मार्केट, और यहाँ से अब हम बाहर जा रहे हैं। अगर आपने गुड़ मंडी जाना है तो आप इस रास्ते से अंदर जा सकते हैं, यह मार्केट काफ़ी अंदर तक है। तो ये स्टार्ट होती है फिर से चौड़ा बाज़ार की मार्केट। यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था तो ये अंकल जी को पता नहीं क्या खुशी हुई, स्माइल तो देखो इनकी कैसे देख रहे हैं पीछे। तो यहाँ से ये चौड़ा बाज़ार स्टार्ट है, अब थोड़ी बहुत ही मार्केट ओपन हो चुकी है, आप देखिए लोग अपनी दुकानदारी कैसे सजा रहे हैं। और ये मार्केट टोटली क्लॉथ्स की है, यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट पर क्लॉथ्स मिलते हैं। मेन जो यहाँ मार्केट लगती है वह संडे मार्केट लगती है, संडे मार्केट को तो यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं आपको मिलेगी, यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। तो आज तो शुक्रवार था इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम था। इसमें हम आपको वापसी के सीन भी दिखाएंगे, और वापसी के सीन में आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को कितनी भीड़ थी, तो संडे को तो क्या ही हाल होता होगा, संडे को तो खड़े होने की भी जगह नहीं होती यहाँ पर। ये देखिए अब, ये टोटली क्लॉथ मार्केट है, यहाँ पर सेल तो लगी ही रहती है, लेकिन जो मेन सेल मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, वो सिर्फ सैटरडे संडे को ही लगती है। सैटरडे को भी काफ़ी कम लगती है, लेकिन संडे को तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होती है ये चौड़ा बाज़ार की मार्केट, यहाँ से सामने निकलते ही रेलवे रोड आ जाएगा, और रेलवे रोड पर ही क्लॉक टावर मार्केट है, आपको वहाँ भी कुछ दिखाएंगे, वहाँ भी लगभग यही मार्केट है रोड पर, वहाँ भी फ़ोन की काफ़ी दुकानें हैं, तो हम वहाँ भी घूमे थे। और ये जो मार्केट है ये यहाँ पर ख़त्म होती है, और इसका वापसी का सीन भी हम आपको एंड में दिखाएँगे। इतना बड़ा शहर और इतने धक्के खाने के बाद भी ट्राईपॉड नहीं मिला। 3 बाज़ार घूम आए हैं, पहले घास मंडी, फिर गुरु मंडी, चौड़ा बाज़ार, और अब ये
क्लॉक टावर के सामने सड़क जा रही है जो इस पे है, और ट्राईपॉड नहीं मिला अब तक। बेस्ती वाली बात देखो कितनी है यार। लो जी, लुधियाना में अनजान जगह पर पहुंच चुके हैं, पता नहीं है कहाँ है। पूछ कर उन्होंने कहा आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। तो यहाँ सामने मेरे को मोबाइल मार्केट एक दिख रही है और छोटी सी। गुड़ मंडी में तो बहुत बड़ी मार्केट थी, यहाँ तो छोटी सी दिख रही है। अब यहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ जाकर अब देखते हैं। वाह वाह, एक और मार्केट दिख रही है और यहाँ जाकर देखते हैं अब क्या होता है। हाँ भाई, मज़ा आ रहा नहीं? नहीं, पैदल चला चला के पूरी हालत कर दी इसकी तो। ना जी ना, तीन चार बाजार घूम चुके हैं, लेकिन ट्राईपॉड जो चाहिए वो अब तक नहीं मिला। अब चौड़े बाजार आए हैं, यहाँ तक पसंद आ गया तो कुछ ले लेंगे, बाकी नकोदर तो आज जाए जाना, तो कल देखेंगे नकोदर। ऑनलाइन मंगवाऊंगा मैं ट्राईपॉड जब आएगा, उसके बाद देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपने देखी कैसी लगी बताना, और यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, अगर कुछ क्लिप हो तो दिखाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होता है, लेकिन मैं हैरान एक चीज़ से था कि इतना बड़ा शहर, इतनी जनसंख्या, इतने लोग, और यहाँ पर हमको एक चीज़ के लिए इतने धक्के खाने पड़े, तो एंड में वो भी नहीं मिली। तो उसको तो छोड़ो आप, लेकिन आप ये मार्केट देखो। अब ये मार्केट लग चुकी है, दोपहर के लगभग 12 से 12:30 का टाइम हो चुका है, और भीड़ आप देख सकते हैं अभी तो बिल्कुल कम है, लेकिन आप आगे देखना। आगे तो अभी आज ही इतनी भीड़ थी, तो संडे के तो क्या ही हाल होगा। ये देखो जाम यहाँ पर ऐसे लगते रहते हैं, यहाँ से फिर से जाम स्टार्ट हो गया है ये देखो। और मार्केट काफ़ी बड़ी है ये, आपको टाइम मिले तो आप आना ज़रूर। कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं, और काफ़ी रिजनेबल रेट पर आपको कपड़े मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ई रिक्शा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये 15 से 20 रुपीज़ आपसे चार्ज करते हैं मार्केट के स्टार्टिंग से लेके आपको रेलवे रोड तक छोड़ने के। तो इनसे नेगोशिएबल रेट कर लेना, क्योंकि ये कई बार 30 रुपीज़ पर पर्सन भी मांग लेते हैं, लेकिन जो फेयर रेट है तो वो है 15 से 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये देखिए अब यहाँ पर फिर से जाम लग चुका है, और लोगों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, कैसे बारिश के मौसम की वजह से इन्होंने बाहर तरपाले भी बिछाई हुई हैं अपनी दुकान के। और टाटा बाय बाय हो गया जी, चौड़ा बाजार को भी मिला नहीं कुछ भी, कुछ भी मतलब का नहीं मिला। तो अब देखते हैं, तो समराला चौक जाके मिलते हैं। दोस्तों जाते जाते ये एक आखिरी ट्राईपॉड वाली दुकान दिख रही है मेरे को, तो ये आखिरी उम्मीद है मेरी तो भाई, एक बार यहाँ भी पता कर लेंगे कि अब तक किस्मत पलटी जाए। देखते हैं यहाँ जाकर। ना जी, वहाँ से भी नहीं मिला, उम्मीदों में पानी फिर चुका है, और अब जा रहे हैं वापस। तो कल देखेंगे अब क्या होता है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, देखते हैं क्या होगा। कल जाएंगे परसों जाएंगे, कल डिलीवरी होगी तो जैसे डिलीवरी होगी वैसे निकल जाएंगे, इतना कोई चक्कर नहीं, फ्री नहीं है। लो जी, वापस जाते जाते भूख लगी, तो भाई ने बताया कि यहाँ होशियारपुरी चाट भंडार वाले बहुत मशहूर हैं गोलगप्पे के लिए, तो चलिए वहाँ गोलगप्पे खाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए, यहाँ पर गोलगप्पे प्लेट 30 रुपीज़ में 5 गोलगप्पे आपको मिलते हैं, और यहीं पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दिया। और अगर आपको ये अच्छी लगी, और अगर आप चौड़ा बाजार और देखना चाहते हैं, तो कमेंट करिए, मैं फुल डिटेल में चौड़ा बाजार की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।